जय हिंद गाइस, दिस इज सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा आप सबको मालूम होगा कि अपनी वर्कआउट सीरीज चल रही है, होम वर्कआउट सीरीज, जहां पर मोस्ट ऑफ द एथलीट्स बाहर नहीं जा सकते ट्रेनिंग के लिए, जिम्स वगैरह नहीं है, तो होम वर्कआउट जो ऐसा डेवलप करा है जिसमें आपकी हाइपरट्रॉफी और आपकी मसल बिल्डिंग और आपका पावर और आपकी स्ट्रेंथ चारों फैक्टर्स को साथ में लेकर चलना है, और साथ ही में आपको बिना इक्विपमेंट के वर्कआउट करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज डे टू है वर्कआउट का, और जिसमें अपन अपर बॉडी हाइपरट्रॉफी और अपर बॉडी पावर स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द पुशअप्स एक्सरसाइजेस हैं और साथ में कुछ अदर एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। पहले अपन स्टार्ट करेंगे गाइस बेसिक वार्म अप से, जो कि है अपर बॉडी वार्म अप, जिसमें बहुत सारी अदर एक्सरसाइजेस आती हैं और मोबिलिटी ड्रिल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद अपन मोबिलिटी ड्रिल्स पर जाएंगे, उसके बाद अपन मेन वर्कआउट पर स्विच करेंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले वर्कआउट को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक सूर्य नमस्कार से, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव करता है और साथ में आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए एक हर एक एथलीट के वर्कआउट में वार्म अप में इंक्लूड होना चाहिए। और आपको बता दूं, आग जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, आप प्लीज़ वैसे ही फॉलो करिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप सन फेसिंग सूर्य नमस्कार करें, यानी कि सूरज के सामने करें। मैंने इस वीडियो में आपको बताने के लिए साइड से करा है, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस सूर्य नमस्कार के बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक पुशअप से, जो कि अपने मेन वर्कआउट का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं तो ये वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आप पुशअप्स लगाते हो और तभी इस वर्कआउट को फॉलो करें। और मैं आपको बता दूं, जब आप नॉर्मल पुशअप्स लगाएंगे तो मेक श्योर आपकी ग्रिप है वो शोल्डर विड्थ पर ही रहे, शोल्डर विड्थ से ज़्यादा बाहर ना रहे। और साथ ही में आपको एक प्रॉपर फॉर्म फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा आर्च हो या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लगा रहे हो। आपको एक रिदम पकड़ कर लगाना है नॉर्मल पुशअप्स, और इसके आप दो सेट लगाइए। नॉर्मल पुशअप्स के बाद अपन चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर गाइस, वो है आपकी डंबल प्रेस। और इस बार अपन सिंगल हैंड डंबल प्रेस करेंगे, जैसा कि डंबल प्रेस नॉर्मली जिम में किया जाता है दोनों डंबल्स के साथ। लेकिन अपने घर में अगर आपके पास डंबल ना हो तो आप इसकी जगह ईंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मेडिसिन बॉल या फिर कोई भी ऐसी भारी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो आपके सिंगल हैंड में ग्रिप हो जाए। उसके बाद आपको ज़मीन पर लेट जाइएगा और अपने एक हाथ से प्रॉपरली ग्रिप करिएगा, और साथ में आपको एक प्रॉपर फॉर्म में इसको लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप चेस्ट प्रेस डंबल प्रेस लगा रहे हैं और आपका लोड आपके शोल्डर पर आ रहा है। आप मेक श्योर करें जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा लोड आपके चेस्ट फाइबर्स पे आ रहा है, चेस्ट मसल्स पे आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सिंगल हैंड डंबल प्रेस में होगा ये कि आप अपनी मसल स्ट्रेंथ के साथ मसल स्टेबिलिटी भी डेवलप कर रहे होंगे, तो मेक श्योर कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा प्रॉपर सही फॉर्म में लगाएं। अब चलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, वो है डायमंड पुशअप्स। और अगेन ये पुशअप्स बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं आपके लिए अगर आपने इनको पहले नहीं लगाया है। तो इनकी जगह आप क्या कर सकते हैं गाइज, आप क्लोज ग्रिप पुशअप्स लगा सकते हैं, जो कि अगेन इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन ये थोड़ा उनसे ईजी पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे एथलीट हैं यार जो पुशअप्स लगाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मेक श्योर करें कि आप डायमंड पुशअप्स ट्राई करें, क्योंकि डायमंड पुशअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो उनको लगा लेते हो तो कुछ दिन में आपको वो भी ईजी लगने लगेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप डायमंड पुशअप्स पर ज़्यादा प्रोग्रेस करें, ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते तो आप क्लोज ग्रिप लगाएं। चलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, वो है सिंगल हैंड पुशअप। अब मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपरली कोई सिंगल हैंड पुशअप नहीं है, लेकिन हाँ अपन इसमें ट्राई करेंगे कि अपन एक हाथ से पुशअप लगा पाएँ। और आप देख सकते हो ये अगेन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा वेट एक हाथ पर आ जाएगा जब आप अपना वेट शिफ्ट करोगे सिंगल सिंगल हैंड पर ऑल्टरनेटिवली। तो अगेन इसके आप दो साइड लगाइए, और अगर आप लगा सकते हैं, और अगर आप पे नहीं लगते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस वाइड ग्रिप पुशअप्स, और अगेन ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके लिए इजी रहेंगे वाइड ग्रिप पुशअप्स लगाना। लेकिन अगेन मेक श्योर करें आप इसका फॉर्म सही रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस, वो है पुशअप्स वॉक थ्रू। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये अगेन स्टेबिलिटी और आपके कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना ये है गाइस कि आपके अपने दोनों हाथों को एक जगह पर रखना है पुशअप्स की पोजीशन में बेसिकली, और उसके बाद जो अपने पैरों को है ना मूव करना है बिना कोई अपनी बैक में आर्च किए क्रिएट करे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बैक में बहुत ज़्यादा आर्च बना लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। ना आपको अपने हिप्स ज़्यादा उठाने हैं, आप इसके दो सेट कर सकते हो।
अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस क्लैपिंग पुशअप्स। थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है गाइस, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ तो बिल्ड कर लोगे, लेकिन अगर जब तक आप उसको पावर में कन्वर्ट नहीं करोगे आपको अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को करना। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप नॉर्मल पुशअप्स ना कर पाएँ क्लैपिंग पुशअप, तो आप अपने नी को ग्राउंड पर रख लीजिए, और होगा ये कि आपको थोड़ा ये ईजी पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइज, वो है मेडिसिन बॉल पुशअप्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगेन गाइज, क्योंकि इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पुशअप्स करना जब आप किसी बॉल के ऊपर करते हो, क्योंकि बॉल कंटिन्यूसली मूव करता है। आप चाहो तो बॉल की जगह ईंट या पत्थर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बॉल है तो वो बहुत बेस्ट चीज़ होगी। अगली एक्सरसाइज गाइज है वो है आपकी मैड बॉल वन साइड पुशअप्स, और ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि आपकी जो शोल्डर स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मेडिसिन बॉल ना हो तो आप चाहो तो कोई और सी बॉल का भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो थोड़ी हार्ड है, क्योंकि सॉफ्ट बॉल आप यूज़ मत करिएगा। और अगर आपके पास मेडिसिन बॉल नहीं है या फिर कोई और अदर बॉल नहीं है, तो आप चाहो तो ईंट या पत्थर का भी यूज़ कर सकते हो, उन पर एक साइड शिफ्ट करके पुशअप्स लगा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, और अब चलते हैं वर्कआउट के एंड पर, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। और आपको बता दूं कि जो एथलीट्स कूल डाउन और स्ट्रेचिंग को हल्के में लेते हैं वो अक्सर कर ऑन सीजन में इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको बता दूं जब तक आप अपनी मसल्स को कूल डाउन नहीं करोगे वो और ज़्यादा फ्लैक्स नहीं होंगी, और जब तक मसल्स अगर टाइट होकर आपने छोड़ दी तो मैं आपको बता दूं कि वो बाद में और ज़्यादा सोर होगी और अगेन इंजरी बन जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर कूल डाउन करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप अपने दोनों शोल्डर को अच्छे से कूल डाउन करें, क्योंकि ये शोल्डर का वर्कआउट था, शोल्डर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था अपने वर्कआउट में। तो जैसे कि मैं एक एक साइड के शोल्डर को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वैसे ही स्ट्रेच करें प्रॉपरली, 15-15 सेकंड का होल्ड करें। उसके बाद गाइज आपको करना ये है कि आपको अपने दोनों हाथ को उल्टा करके अपने कमर पर रखना है, जैसे कि मैं रखी हूँ, और इससे होगा ये कि जो आपकी बिहाइंड द बैक शोल्डर मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कैपुला के पास वाली जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी बॉलिंग में और आपकी बैटिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको भी स्ट्रेच करो। उसके बाद अपन ये वाला जो स्ट्रेच जो मैं कर रहा हूँ ये है आपके अपर चेस्ट के लिए, और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अपन का चेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इस वर्कआउट में। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप पूरे चेस्ट की मसल्स को भी अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको कोबरा स्ट्रेच करना है, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपकी जो लोअर बैक है उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा लोड आया है, तो आप मेक श्योर करें उस पर जो प्रेशर पड़ा है उसको रिलीज़ करें ये इस वाला स्ट्रेच करके। तो कोबरा स्ट्रेच ज़रूर करें। उसके बाद जो अगला स्ट्रेच है गाइज वो है आपको अपने फ्लोर पर या फिर अपनी मैट पर लेट जाना है, और उसके बाद आपको अपने नी बैंड करके उनको कम्प्लीटली स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये स्ट्रेच आपको बता दूं ये है आपके ग्लूट्स के लिए। अगेन ग्लूट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी स्पीड और एथलेटिज्म में, आपके ग्राउंड कॉन्टैक्ट में। तो मेक श्योर करें कि आप अपने ग्लूट्स को भी अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें। तो गाइज ये था आज हमारा वर्कआउट का डे 2, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वर्कआउट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कोई मसल बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर अपन कोई बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन को बेसिक जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है एक एक प्लेयर्स को अपनी एक एक मसल्स में। फॉर एग्जांपल आज जो अपन वर्कआउट करा उसमें अपन ने चेस्ट और जो कि अपर बॉडी वाला पार्ट होता है फ्रंट बॉडी का उसको ट्रेन करा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये मसल बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर आप अपनी कैलिस्थेनिक टाइप की जो स्ट्रेंथनिंग होती है फिर उसको पावर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस हिसाब से अपन का वर्कआउट चल रहा है। तो प्लीज़ इस वर्कआउट को प्रॉपरली फॉलो करिएगा तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।